है वो आपको बता दें। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है। दिल्ली में कांग्रेस मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। बैठक में हरियाणा लोकसभा चुनाव पर चर्चा होगी, जो जानकारी आ रही है। बैठक में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा होंगे शामिल, तो प्रदेश अध्यक्ष उदय भान भी इसमें शामिल रहेंगे, ये इस वक्त की बड़ी खबर। विधायक गीता बुक्कल भी शामिल होंगी इस बैठक में। जानकारी आपको दे दें, घोषणा पत्र बनाने को लेकर चर्चा जो है वो की जाएगी। दिल्ली में कांग्रेस मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक होने जा रही, बैठक में हरियाणा लोकसभा चुनाव पर जो चर्चा है वो यहां पर की जाएगी। बैठक में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा शामिल होंगे इस बैठक में, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान भी शामिल रहेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विधायक गीता बुक्कल भी मौजूद रहेंगी। तो दिल्ली से बड़ी खबर, कांग्रेस मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक दिल्ली में होने जा रही है। बैठक में हरियाणा लोकसभा चुनाव पर चर्चा जो है वो की जाएगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बैठक में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा मौजूद रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान शामिल रहेंगे, जो जानकारी आ रही है विधायक गीता बुक्कल शामिल रहेंगी, ये इस वक्त की बड़ी खबर। बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको बता दें। तो बैठक में हरियाणा लोकसभा चुनाव को लेकर विशेष तौर पर यहां पर जो चर्चा है वो की जाएगी, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो बैठक में हरियाणा लोकसभा चुनाव को लेकर ये बैठक, और स्पर्श शर्मा संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। स्पर्श, कांग्रेस मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक कितने बजे होने जा रही है और क्या कुछ रहेगा? देखिए, फिलहाल ये बैठक शुरू हो चुकी है, लोकसभा चुनाव के संदर्भ में मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक है। गीता बुक्कल इसकी अध्यक्ष है, उनकी अध्यक्षता में बैठक होती हुई नजर आ रही है। इस बैठक की बात करें, प्रभारी दीपक बावरिया इसमें है, पूर्व मुख्यमंत्री नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पर है, और उनके साथ साथ कई जो मौजूदा एमएलए हैं वो इस बैठक में देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। और सीधे तौर पर बात करें कि किस तरीके के मसले जो मैनिफेस्टो है उसमें देखने को मिलते हुए नजर आ सकते हैं, उसको लेकर यहाँ पर चर्चा होती हुई नजर आ रही है। चाहे वो युवाओं से संबंधित हो, किसानों से संबंधित हो, महिलाओं की बात की जाए, या फिर शैक्षणिक व्यवस्था की बात की जाए, ऐसे तमाम विषय हैं जिनको लेकर जो जो चर्चा है वो फिलहाल देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। कुछ एक्सक्लूसिव जानकारी भी हमारे पास इस बैठक से निकल कर सामने आई है। मसलन कि राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण प्रणालियों को नवीनीकरण किस तरीके से किया जाए, इसको लेकर चर्चा होती हुई नजर आएगी। केंद्रीय विद्यालय, आरओई स्कूल, कस्तूरबा गांधी स्कूलों में अपनाई जाने वाली प्रणाली जो है उनको किस तरीके से जो है और मजबूत किया जाए, इसको लेकर यहाँ पर चर्चा होती हुई नजर आ सकती है। इसी तरीके से रोजगार की किस तरीके से व्यवस्था हो, ये तमाम ऐसी चीज है जिनको लेकर आज की इस बैठक में चर्चा होती हुई जो है नजर आएगी। बिल्कुल स्पष्ट, यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो रहेगा, किस तरीके से अपने चुनावी वायदों को इसमें समेटा जाता है, ये काफी दिलचस्प रहेगा। और इस मैनिफेस्टो का इस बार कांग्रेस क्या नाम देती है वो भी काफी देखना होगा। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जो है किस तरीके से जो है वादे देखने को मिलते हुए नजर आएंगे। फिलहाल आज की बैठक में हरियाणा सेंट्रिक जो मसले हैं वो देखने को मिलते हुए जो है नजर आ रहे हैं। हालांकि आज की बैठक की बात करें तो एक नया मसला, या फिर कहें कि एक नया वादा जो होता हुआ नजर आ सकता है, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की जो परीक्षाओं का केंद्र है वो गृह जिलों में ही जो है देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। अभी हम देखते हैं कि अलग अलग जगहों पर जो परीक्षा है वो देखने को मिलती हुई नजर आती है, कि युवा है खेल छात्रावासों को लेकर जो है वो आप इस तरीके से स्थापना की जा सकती है, उसको लेकर यहाँ पर जो एक पॉइंट इस बैठक में जो है उठता हुआ नजर आएगा। तो ऐसे में अलग अलग जो पॉइंट्स हैं वो जो है देखने को जो है मिलते हुए जो है नजर आ रहे हैं। पेंशन को लेकर आज की बैठक में जो है चर्चा होती हुई नजर आएगी, किस तरीके से जो है दी जा सकती है। तो ये तमाम विषय जो आज की जो हरियाणा को लेकर जो बैठक हो रही है लोकसभा को लेकर जो है उसमें जो है फिलहाल चर्चा का विषय देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। चलिए, आप नजर बनाए रखिए, हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए।